मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला ले आने का। बहुत ही सुंदर जगह है और ये पहली दफ़ा है कि मैं आ रही हूँ। मैं आई हूँ एक चंबा एनिमल वेलफेयर सेंचुरी शेल्टर का उद्घाटन करने के लिए। ये जो शेल्टर है ये रिम्पोचे जी ने दान किया है वांग्याल साहब को, और ये और उनकी जो टीम है वो एक शेल्टर बना रहे हैं जो बहुत बड़ा भी है। कुछ वक्त लगेगा बनाने में, कुछ तो बना है कुछ बनाने में, लेकिन मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि एनिमल वेलफेयर बिल्कुल हिंदुस्तान के पीक पर पहुँचा है। एक वक्त था जहाँ हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि एनिमल वेलफेयर लद्दाख तक आएगा, लेकिन यहाँ एक ही नहीं, पहले तो लिव टू रेस्क्यू भी हैं जो 10 साल से चल रहा है, वो भी रिम्पोचे ही चला रहे हैं, और एक अभी शुरू हुआ है सेमचंग जो छोटा है लेकिन वो भी अच्छा काम कर रहा है, और अब ये बहुत बड़ा है जो जब बनेगा तो ये पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल दिखा सकता है। मैम, जिस तरह से आपने जैसे कहा कि तीन, जब आप आए यहाँ तो 3 शेल्टर देखे जो आपके लिए शायद अनएक्सपेक्टेड रहा होगा, अनएक्सपेक्टेड, यस। तो मैम उसी के चलते एक ऑर्डर जब निकाला गया जिसके आपको भी ब्रीफ कर दिया होगा, जहाँ स्ट्रीट डॉग्स को फीड ना किया जाए, तो उस पर किस तरह का आप कहेंगे, क्योंकि लद्दाख में इस टाइम आप देख जी रहे ऐसे हैं। है, वो डीसी ने वो ऑर्डर को मिसअंडरस्टैंड किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट, उन्होंने मैनेजमेंट को पढ़ करके बैन करा दिया। हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स सब हैं, और अभी मेरी एलजी से बात हुई और एलजी ने कहा कि वो बैन हटा देंगे। मैम, स्ट्रे डॉग्स को लेके यहाँ काफ़ी सारे इश्यूज, डॉग बाइट केसेस का, तो आपको क्या सोल्यूशन नज़र आ रहा है? क्योंकि डॉग बाइट केसेस मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे 3 3 to 4 केसेस आते हैं, SNM में रिपोर्ट करते हैं। इसका जो उपाय है, ये 3 4 उपाय हैं जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। एक तो स्टेरिलाइजेशन, एक नहीं दो नहीं 3 जगहों पर शुरू होना चाहिए। दूसरा ये है कि फीडिंग फिर से शुरू हो जाए और नियुक्त जगह नियुक्त किए जाए जहाँ फीडिंग हो, ये नहीं कि इसके सामने या उसके सामने। एक दफ़ा आप ये दोनों को कंबाइन करेंगे आप देखेंगे कि डॉग बाइट केसेस बहुत कम हो जाएंगे। वैसे भी 2 या 3, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। मैम, जो आप स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो पिछले 10 साल से मेरे ख्याल से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। ऐसे है बेटे कि उसका रिजल्ट आप लोग देख नहीं रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो आपके पास 1.5 लाख कुत्ते होते इस वक्त आपके पूरे स्टेट में, लद्दाख टेरिटरी में आपके पास करीबन 40,000 कुत्ते। उसमें से क्या होता है कि हम कुछ को स्टरलाइज करते हैं आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, तब तक किसी के 6 बच्चे हो जाते हैं, किसी के 8 बच्चे हो जाते हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको एक 2 साल का एक यूनिफाइड प्रोग्राम बना करके, ये शहर में ही नहीं, हम लोग कैंप्स लगा दें, आर्मी कैंप्स लगा दें, हम लोग गांव में शुरू कर दें। इफ़ वी डू इट एज अ कम्बाइंड प्रोग्राम फॉर 2 ईयर्स, वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैडम, जो स्टेरिलाइजेशन का जो कैंपेन होगा उससे आगे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो अभी जो कुत्ते हैं इतना खतरा बन चुका है, सारा जो यहाँ पे हिमालयन मर्मट्स होते हैं, आइबेक्स होते हैं वो, और स्नो मैं लेपर्ड मान सबको चुकी भी, हूँ, मैं मानती हूँ। और हम लोग एक गांव से दूसरे गांव में पैदल भी जाते हैं पहले, अभी वो भी नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों इसके ने जो क्या बात की है, इसीलिए हम लोगों ने जो बात की है वो हम लोग ले के बारे में कम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम इतना नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं गांव में, आर्मी कंटोनमेंट्स में, आर्मी कैंप्स में, और वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अभी एक टीम बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए 4 बजे हम उस पर एक टीम बनाने की कोशिश करें। इस पर हम 2 घंटे की बातचीत हुई एडवाइज़र के साथ, एलजी के साथ, एनिमल हस्बेंड्री के साथ, तो सब इकट्ठा होकर के वी विल लुक फॉर अ सोल्यूशन। मैं आपकी तरह मैं चिंतित हूँ आईबैक्स और अन्य, मगर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप शहर के जानवरों के ऊपर बैन डाल दो कि कोई नहीं खिलाएगा, तो ये जो कुत्ते हैं ये कम्युनिटी डॉग्स,
इस वक्त आपके साथ फ्रेंडली है, इनके साथ, मेरे साथ, सबके साथ। अगर आप उनको नहीं खिलाओगे तो फिर वो गैंग बन जाते हैं और फिर वो गैंग शहर छोड़ करके फिर वो जानवरों को काटने लगते हैं, तब जा करके फेरल हो जाते हैं। हम चाहते हैं कम्युनिटी डॉग्स कम्युनिटी डॉग्स रह जाए, फेरल ना बने। अब फेरल से बचाने के लिए दो ही तरीके हैं, एक तो खिलाना और दूसरा स्टरलाइज करना। दोनों चीज हम लोग शुरू करते हैं। मैम यहाँ पर काफी जगह से जो शिकायतें आते हैं जिसमें कुछ डॉग बहुत एग्रेसिव है, डेली किसी को काटते हैं, तो उसको आप क्या सॉल्यूशन सजेस्ट? अगर आप एक लिस्ट बना दें, जो हमने सजेस्ट किया है एसएसपी को, एलजी साहब को, एक लिस्ट बना दो फीडर्स को। फीडर्स को मालूम होता है कौन कुत्ता अग्रेसिव है, कौन कुत्ता अग्रेसिव नहीं है। जब ये फीडिंग फिर से शुरू करेंगे तो उस फीडिंग में अग्रेसिव कुत्ते को एक दवाई आती है, एंक्सोकेयर, हिमालय बनाती है, और हम अग्रेसिव कुत्तों के खाने में डालते हैं। और एक होम्योपैथिक दवाई है डॉक्टर रेकेवेग R184, वो भी हम डालते हैं खाने में, उसमें कुत्ता काम हो जाता है। अगर आप मारेंगे नहीं और लकड़ी नहीं दिखाएंगे, और ये जो मांस की दुकानें आप बिना लाइसेंस के ये चल रहे हैं सब जगह, ये मांस की दुकानें से सबसे ज़्यादा अग्रेशन प्रमोट करते हैं। अगर इनको म्यूनिसिपल लॉज फॉलो करें और मांस की दुकानों को इकट्ठा करके एक एयर कंडीशन मार्केट बना दें और सब एक जगह में डाल दें ताकि वो बाहर नहीं मांस अपना फेंकें, तो आप देखेंगे कि आपके कुत्तों की इमीडिएट प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और एक चीज़ मैम, जो यहाँ पर काफ़ी सारे जो एनिमल जो सोसाइटीज चल रहा है, खासकर जो लीव टूरिस्ट की और भी कोई भी हो, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो उनको काफ़ी चैलेंजेस आता है फंडिंग को लेके। लीव टूरिस्ट के पहले जो टेरेशियस डॉग्स को वहाँ ले जाते थे, अभी सिर्फ सिकेन जो एक्सीडेंट वाला केस ही ले जाते, तो वो भी एक समस्या है। नहीं, वो तो केवल लीव टू रेस्क्यू का काम नहीं है सड़क के कुत्ते उठाना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। उनका काम है सिक और एक्सीडेंट केसेस ही उठाना, जो वो कर रहे हैं। ये आपकी बात सही है, ये लद्दाख का प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है। सरकार ने कोई प्रोविजन नहीं किया है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कोई भी नहीं है जो पैसा देता है। तो जाहिर है कि एक एंटीबायोटिक के एक डॉक्टर की कीमत कितनी ज़्यादा है, तो हम लोग थक जाते हैं। मैं खुद घबरा जाती हूँ कभी कभी, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख में, ऐसे एरियाज में एनिमल वेलफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन पैसे बहुत मुश्किल है लेना, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। जो भी आना है सरकार से आना, तो ये वक्त आ गया है कि सरकार इसके लिए एक बजट बने। पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के पास बजट होता था, अब पिछले 10 साल में वो बजट नहीं, बंद कर दिया, उनको वापस बजट लाना चाहिए। मैम, जिस तरह से एक तरफ तो जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, और दूसरा एनिमल वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो बहुत कम पेनल्टी, आई थिंक 50 रुपीज़ ऐसे, तो लोग उस चीज़ को शायद सीरियसली या लॉ को सीरियसली नहीं मानते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप, किस तरह का लद्दाख के जैसे सिचुएशन? बेटा, ये जो नया कानून आया है ना, उस नए कानून में 50 रुपीज़ की पेनल्टी तो है ही है, लेकिन 5 साल का जेल भी है। और 5 साल का जेल, अगर आप कोई चीज़ चोरी करो तो उसके लिए 2 साल, अगर आप जानवर को मारो पीटो तो 5 साल का है, तो इतना कम नहीं है। मैम, एनिमल वेलफेयर को लेके आप लद्दाख के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक देश में अगर आप ये नहीं सीखोगे कंपैशनेट बनना, तो आप देश को खतरे में डालते हो। किसी के खिलाफ करना, हेट करना, दूसरे स्पीशीज को निरादर करना, ये केवल एक बहुत शॉर्ट साइटेड इंसान करेगा। ये देश प्यार से ही चलेगा और रिस्पेक्ट। हमने देखा है, और जो कल मैंने मीटिंग में भी बोला था, कि जो लोग जानवरों को मारते हैं अक्सर वो इंसानों को भी मारते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेक दिस सीरियसली। ये दिस, वी नीड काइंडनेस एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ईच अदर
kindness towards animals, kindness towards trees, bushes, kindness towards insects. This country can only be successful on kindness. खास करके क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड हैं, अब उसके ऊपर से अगर हम लड़ाई ढूंढे फिर तो बहुत खतरनाक है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज बी काइंड. मैम आखिर में एक और सवाल, जैसे लद्दाख में सभी को मालूम है कि वाइल्ड लाइफ के लिए ज़्यादा जाना जाता, तो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट ये लोग कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन स्टेरिलाइजेशन का हो ये पहले से चलता आ रहा है पर इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा, इसी वजह से वाइल्ड लाइफ इंस्टिंक्ट हो रहे हैं. आई एग्री विद यू. वाइल्ड लाइफ बहुत ज़रूरी है और वो बिल्कुल निहत्थे जानवर है क्योंकि ज़्यादातर ग्रेजिंग है, तो इसीलिए स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप लोगों ने कभी गांव में किया नहीं, जो भी हुआ है शहर में हुआ. वी नीड टू नाउ हैव अ कंसोलिडेटेड प्रोग्राम जिसमें आर्मी भी मदद करे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी मदद करे, शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर, अर्बन डेवलपमेंट भी मदद करे, और उसके लिए एक तगड़ा बजट हो. आप बजट रखो 3 करोड़ रुपए और फिर देखो कैसे चलता है. नहीं तो क्या होता है, शुरू होता है फिर ख़त्म होता है फिर शुरू होता है, और आपने पूरा बोझ डाल दिया एनिमल हस्बेंड्री पर. अब एनिमल हस्बेंड्री के पास उतना पैसा भी नहीं है, उतने लोग भी नहीं हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट के पास है. इसलिए इट हैज़ टू बी अ कॉम्बाइंड प्रोग्राम. जब सरकार पोलियो को इरेडिकेट कर रही थी तो उनको 10 साल लगे with 700 crore rupees a month being spent. आपने animal dog sterilization के लिए 1 करोड़ भी नहीं रखा. जो भी करता है म्यूनिसिपैलिटी करता है, करे तो करे, नहीं करे तो ना करे. इट इज टाइम वी टुक दिस सीरियसली. मैडम डॉग्स को छोड़ के अगर अदर एनिमल का हम लोग बात करें तो यहाँ पे चिकन बाहर से लाया जाता है टक टक बर बर की, तो उनका कुछ राइट्स के बारे में, उनके बारे में मतलब मैं तो कहती हूँ आप लोग अगर चिकन खाना बंद कर दो, कंजेस्टेड जैसे एक ट्रक में इतना कंजेस्ट का खिलाया जाता है, बहुत सारा मर चुका भी होता है उसमें, तो ये भी क्रूरिटी टू एनिमल नहीं है? ये एक्ट में आता है और आप सब इसके ऊपर पेनल्टीज हैं, बहुत तगड़े पेनल्टीज हैं. लेकिन इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एनिमल वेलफेयर कुत्तों के बारे में नहीं है. सबसे पहले अगर आप वेजिटेरियन बन जाए इसी से ही शुरुआत होगा, नहीं तो आप कुत्तों को पुचकारो और जाकर के घर में मुर्गी खाओ या कुत्ते को चिकन राइस दे दो, फायदा क्या है? और जितना ज़्यादा क्रुएल्टी होता है चिकन्स पर शायद ही किसी जानवर पर होता. हम तो जगह जगह पर इसको रोकते हैं. जब मैं MP थी सुल्तानपुर में, मैंने तो सारे बेचने वाली जगहों को बंद कर दिया. तो आप लोग अगर कहेंगे कि इतना क्रूरती, लेकिन आप जाकर के मुर्गी के दुकानों से मुर्गी खरीदोगे तो फिर क्या कर सकती हूँ मैं? जो बुद्धिस्ट हैं उनको खास करके मेरा मैसेज है कि ये सबसे काइंड रिलीजन है और एक ऐसा रिलीजन है जो एक और दूसरे के बीच में फर्क नहीं मानता. बकरा भी मैं हूँ, मुर्गी भी मैं हूँ. अगर हम लोग मांस खाना बंद करते हैं तो अच्छा होगा. आपके कर्मापा भी तो इतना जोर से टिबेटन कम्युनिटी को और बुद्धिस्ट कम्युनिटी को चाहते थे कि वो वेजिटेरियन हो, तो अच्छा होगा. हम लोग क्रुएल्टी कब तक बंद करती रहोगी? जब तक आप खाते रहो. थैंक यू ऑल फॉर